शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अब आप इतने समझदार हो, इतने इंटेलिजेंट हो कि आप कॉमन सेंस बड़ा आराम से लगा लेते हो कि द लास्ट लेसन का मीनिंग क्या निकलेगा। मीनिंग क्या निकलेगा? मेरा आखिरी लेसन यानी लास्ट लेसन। लास्ट लेसन यानी किसी भी किताब का, किसी भी क्लास का एक लास्ट लेसन होगा। अब ये कहानी क्या है? ये कहानी आपकी कहानी है, बिल्कुल आप इससे रिलेट कर पाओगे। भाई अभी आप लोग ट्वेल्थ में हो ना, ट्वेल्थ में जितने भी बच्चे हैं ट्वेल्थ में, चाहे सरकारी के हो या प्राइवेट के, सबकी ना एक्स्ट्रा सबकी फेयरवेल जरूर होती है। फेयरवेल सबकी हुई होगी। अब सरकारी स्कूल वाले कमेंट करेंगे, सर हमारी फेयरवेल नहीं हुई। अरे बच्चों आप लोग होते इतने शैतान हो, आप लोग की फेयरवेल करते हुए ना टीचर्स भी डरते हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है, ट्वेल्थ क्लास के बच्चों की फेयरवेल जरूर होती है, क्योंकि अब उनका स्कूल खत्म होने वाला होता है, उनकी एक लाइफ एक पीरियड बिल्कुल खत्म होने वाला होता है, एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली होती है। होता है कि नहीं, फेयरवेल होती है ना आप लोगों की भी। क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि जब आप आपके स्कूल खत्म हुए, आपकी छुट्टियां भूल गई होंगी मोस्टली की, तो आपको बिठाया गया होगा एक जगह क्लास के अंदर, और आपके क्लास टीचर ने आपसे बातें की होंगी और आपसे कहा होगा बेटा कल को क्या बनोगे, आपने क्या सोचा है, इस तरह से वो कुछ अनमन की बात जो उन्होंने पूरे साल नहीं करी आपसे, वो बातें भी वो कर रहे होंगे। किया हुआ कि नहीं, यस या नो मुझे बताओ कमेंट करके। क्या हुआ आपके साथ ऐसा कि आपके क्लास टीचर ने बैठ के आपसे कुछ ऐसी बातें की जो आपका स्कूल का लास्ट डे था, जो उन टीचर ने पहले कभी नहीं की थी लेकिन अब कर रहे थे? क्या ऐसा हुआ था? ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं यस, और कुछ कह रहे हैं नो। नो वाले मैं बता रहा हूं, तुम शैतान बच्चे हो, तुम स्कूल ही नहीं गए होंगे लास्ट डे पे, तो तुमसे बातें किसने की होंगी। हमारे मुझे याद आता है, मैं लास्ट डे जब अपने स्कूल में था ना, तो हमारे टोटल बच्चे आए होंगे, अब 10-15 बच्चे आए थे लास्ट डे को। तो गवर्नमेंट स्कूल में खासतौर से बच्चे शैतान होते हैं। चलो प्राइवेट स्कूल्स में तो मोस्टली एक फेयरवेल जरूर होती है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो भाई अब टीचर क्या करते हैं, वो बातें भी करते हैं जो बातें वो पूरे साल नहीं आपसे करते, लेकिन उस दिन जरूर करते हैं जिस दिन आपका लास्ट डे होता है स्कूल का। बैठते हैं आपसे बातें करते, कहते हैं बेटा मैंने तुझे पूरे साल मारा जरूर है, लेकिन तू बड़ा समझदार बच्चा, बड़ा स्मार्ट है। ऐसे किसे कहते हैं, बेटा मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करता था, मैं तुम पे ज्यादा ध्यान देता था, लेकिन मैं जानता था कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत काबिल बच्चे हो। इस तरीके से बातें होती थी। ये होता है। मेरा फोन ना, मैं इसको साइलेंट करता हूं, सो सॉरी अबाउट इट, आई एम रियली सो सॉरी। ठीक है, सो ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा ही एक लास्ट लेसन था एक टीचर का एक लास्ट लेसन था। कौन टीचर थे वो? वो एक फ्रेंच टीचर थे, फ्रांस के टीचर थे। उनका लास्ट लेसन कैसे था? उनके स्कूल में ये नहीं हो रहा था कि ट्वेल्थ के बाद अब बच्चों की लाइफ दूसरी होने वाली थी, अब उनका स्कूल खत्म होने वाला था, इस वजह से लास्ट लेसन था। नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि क्या हो रहा था कि वहां पे वो फ्रेंच लैंग्वेज ही खत्म हो रही थी, वो उस फ्रेंच लैंग्वेज का ही लास्ट लेसन था। ऐसे मान लो कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इतने सालों से इंग्लिश आपको पढ़ा रहा हूं, ढेर सारी वीडियोस बनाता हूं, सब कुछ है, और अचानक से इंडिया में एक ऐसा रूल आ जाए कि आपसे इंग्लिश इंडिया में नहीं पढ़ाई जाएगी। अब सोचो मेरा क्या होगा, मैं आपके पास आऊंगा, मेरा दिल बिल्कुल दुखरा होगा इसलिए क्योंकि मैं सालों से ये काम करता है, मैं बुढ़ा हो गया ये काम करते करते, मेरे हाथ पैर अब बूढ़े हो गए, मैं खुद थकने लगा हूँ वाके, और अचानक से मैं देख रहा हूँ कि यार इतने साल पढ़ाने के बाद अब से मैं ये नहीं पढ़ा पाऊंगा अपने बच्चों को, मेरा और आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा, ऐसे कैसे चलेगा? तो मैं बड़ा दुख में होऊंगा कि नहीं? और बताए आप मेरा कहना कितना सुनते हो ना सुनते हो, लेकिन उस दिन ना आपका भी दिल दुखरा होगा, आप भी कह रहे होंगे कि सर ये सर तो हमारे ठीक है, हमें बुरे लगते थे, बहुत हमें डांटते थे, हम स्ट्रिक्ट थे, हम नहीं पसंद करते, लेकिन ये अब हम पढ़ाएंगे नहीं, क्या हम इसे कभी नहीं पढ़ पाएंगे? उस दिन आपको मेरी कदर आने लगेगी, आपको मेरी वैल्यू होने लगेगी कि अरे यार सर तो यार अच्छे थे यार, बड़ा ध्यान देते थे, अपने बच्चों की तरह रखते थे हमें। उस दिन आपको सारी अच्छी बातें याद आने लगेंगी, उस दिन आपको इंग्लिश से प्यार होने लगेगा, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है ना, जब जो चीज़ हमसे दूर जा रही होती है ना, उसकी हमें तभी सबसे ज्यादा तड़प होने लगती है, हम उसकी कदर वैल्यू आने लगती है। होता है कि नहीं? ऐसा ही बिल्कुल हो रहा था किसके साथ? वो जो फ्रेंच टीचर थे ना एक, उनके साथ हो रहा था कि फ्रांस के अंदर ये ऐलान कर दिया गया कि अब से यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाएगी फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। अच्छा, अब वो फ्रेंच टीचर का तो बेचारों का पूरी जिंदगी रोजी रोटी सब कुछ ही वही था, उन्होंने फ्रेंच ही पढ़ा के सब कुछ अपना गुजारा किया था, आज तक वो बच्चों के साथ फ्रेंच पढ़ा के ही तो जुड़े हुए थे। अब उस अफसोस के बाद वो सबको जब ऐलान करते हैं, बताते हैं अपनी पूरी क्लास को, कहते हैं कि बेटे अब से आप फ्रेंच नहीं पढ़ पाओगे, तो बच्चों के दिल पे लगती है कि यार हमारी मातृभाषा है, दिस इज आवर मदर टंग, एंड अब हमें क्या कर रहे हैं, हमें सप्रेस किया जा रहा है, अब हम नहीं, हम पे फोर्स करके दबाव बना के ये कहा जा रहा है कि अब आप फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाओगे। तो बच्चों को जो शैतान से शैतान बच्चा था, जिसको फ्रेंच अच्छी भी नहीं लगती थी, अब उसको भी फ्रेंच लैंग्वेज से प्यार होने लगा, उसको कदर आने लगी कि यार ये भी हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात थी, वी वर लकी इनफ कि हमें एक फ्रेंच टीचर मिले हुए थे मिस्टर हैमिल के रूप में, और अब वो हमें नहीं पढ़ा पाए। ये पूरी कहानी है। और उन्होंने क्या कहा अपने लास्ट लेसन में, जो हमारे मिस्टर हैमिल थे, जो फ्रेंच टीचर थे, उसके ऊपर ये कहानी है दोस्तों। ऐसा क्यों हुआ था कि फ्रेंच लैंग्वेज बंद कर दी थी पढ़ानी? वो इसलिए हुआ था कि उस टाइम पे ना एक वॉर चल रही थी, तो जो नाजीज लोग थे ना, जर्मन्स हिटलर, एडोल्फ हिटलर ने क्या करा था, जहां पे भी वो जाते थे ना पुराने टाइम में, पता क्या होता था, जहां भी वॉर होती थी, झगड़ा होता था, जंग होती थी ना, तो सबसे बढ़िया तरीका किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को, किसी भी जगह को, किसी भी ग्रुप को तोड़ने का होता, उसका कल्चर मिटा दो, उसका कल्चर खत्म किया जाता था। अगर कल्चर खत्म हो जाएगा, वो लोग कभी यूनाइट नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकते, ठीक है। जब बॉन्ड ही खत्म हो जाएगा, किसी तरह से वो बंधे ही नहीं होंगे, तो उनको तोड़ना आसान होगा। ये एक साइकोलॉजी थी पुराने लोगों की, जो कि बहुत चालाक, बड़ी स्मार्ट हुआ करती थी। तो जर्मन्स ने भी वही कर रखा था। हिटलर क्या करते थे,
क्या करता था हिटलर, जहां भी जिस भी राज्य पे उन्होंने जिस भी देश पे कब्जा किया वहां के कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया, कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो अंग्रेजों ने किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। तो इस तरीके से तो क्या होता था, ये क्या कहते हैं, अंग्रेजों ने भी यहाँ पे लाल किले को भी तोड़ा था, बहुत काफी सारे बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचाया, उससे पहले के राजाओं ने भी काफी चीजों को तोड़ा फोड़ा था ताकि कल्चर को डिस्ट्रॉय किया जाए। कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लोग एक नहीं हो पाएंगे, एक नहीं हो पाएंगे तो वो उनके अगेंस्ट खड़े नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से खत्म किया जाता था कल्चर को। एंड लैंग्वेज से बड़ा कोई कल्चर नहीं हो सकता। अगर आप लैंग्वेज से जुड़े हुए हो ना, तो लैंग्वेज आपको हर तरह से जोड़ देगी। लैंग्वेज अगर आपकी सेम है, कॉमन है, तो आप जुड़े रहोगे और फिर आवाज उठा पाओगे। तो ये कहानी उनकी है, इसी तरह की एक टीचर की, फ्रेंच टीचर की। दोस्तों मजा आ रहा है कहानी का, थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ कहानी का। द लास्ट लेसन क्यों है, इसका नाम याद रहेगा। इसका एक समरी मैंने आपके लिए बना रखी है, वो पढ़ाने से पहले मैं जानना चाह रहा हूं आपको समझ आए। लाइक एक थम्सअप दो ना मुझे, थम्सअप देके मुझे बता दो, हमारे बीच भी एक लैंग्वेज रहनी चाहिए, ये कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है। एक थम्सअप देके बताओ कि आपको समझ आया कि नहीं, कि क्या है, थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ कि नहीं। जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा था लास्ट लेसन, कुछ नहीं पता था इस बुक के बारे में, उसे थोड़ा समझ में आया, पूरा मेरा कमेंट बॉक्स येलो हो जाना चाहिए आपके लाइक से। जल्दी बताओ। वेरी गुड, येलो करो, पूरा येलो करो, तब मैं मानूंगा आप लोगों को थोड़ा आइडिया हुआ। आगे बढ़ जाऊं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा कुछ आपके साथ होगा फिर आप क्या करोगे? इंग्लिश पढ़ाई अगर बैन लगा दिया जाए फिर क्या करोगे आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ना YouTube को ही बंद करवा दोगे, कह दोगे अगर हमें इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा रही ना यहाँ पे, हमें अगर डियर सर नहीं पढ़ा रहे तो फिर हम YouTube ही बंद कर देते हैं, बात ही खत्म करते हैं, ऐसा कुछ करोगे? चलो यार ऐसे मत बोले यार, अच्छा होगा, ऐसे कौन बोलता है यार ऐसे। चलो जोक्स अपार्ट, ओके कम टू द पॉइंट। तो अब मैं इसकी समरी कराता हूँ। मैंने आपको स्टोरी इसलिए पहले बता दी ताकि आपको पहले एक आइडिया हो जाए। कुछ कीवर्ड्स हैं जो चैप्टर से रिलेटेड आपके सामने आएंगे, क्वेश्चंस की फॉर्म में, पैसेज की फॉर्म में, कहीं से भी आ सकते हैं। वो कीवर्ड सुन लो जिस चैप्टर से, थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। एक तो ग्रेट बसल का मतलब होता है लाउड नॉइज, बहुत ज्यादा शोर। अप्रेंटिस का मतलब ट्रेनी, कोई स्टूडेंट होता है। न्यूसेंस का मतलब प्रॉब्लम, थम, डैमेज। टू रिप्रोच, क्रिटिसाइज करना, किसी को ब्लेम करना। रेचिस का मतलब पुअर, बैड या अनफिट। ठीक है, आते समरी की तरफ, पढ़ते हैं। The last lesson is a short story. थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों को, अच्छे से दिख रहा है। अच्छा दिख पा रहा है कि नहीं, एक मिनट बताना, दिख रहा है कि नहीं, ये visible है कि नहीं? Is it visible? Clearly visible or not? Please tell me guys. Is it clearly visible or not? Please let me know. I hope आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने अभी अभी लाइव सेशन ज्वाइन किया, दोस्तों अभी हम इस लाइव सेशन के अंदर क्लास 12 की फ्लेमिंगो के फर्स्ट 4 चैप्टर्स करने वाले हैं और उनकी समरीज देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत ही आराम से, मजे से। ठीक है तो आइए जुड़ जाते हैं। अब मैं फर्स्ट चैप्टर जो आपका द लास्ट लेसन है उसकी समरी करा रहा हूं। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। द लास्ट लेसन इज अ शॉर्ट स्टोरी सेट इन अ स्मॉल फ्रेंच विलेज इन अल्सेस एंड लॉरेन ड्यूरिंग फ्रांसो प्रशियन वॉर। ठीक है, थोड़ा सा कम करते हैं वरना ये खत्म हो जाएगा। अब ठीक है, अब सही नजर आ रहा होगा, हल्का सा बढ़ाऊं क्या? अब ज्यादा बढ़ गया, अब ठीक है, अब ज्यादा अच्छे से विजिबल है, थोड़ा सा और बढ़ाऊं क्या? चलो तो भाई ये लास्ट लेसन एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि एक फ्रेंच विलेज, एक फ्रांस का गांव है। अब उसका नाम ये क्या, एल्सेस और लॉरेन जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, असल में तो वहां जाके पता करना पड़ेगा कि वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, और जो कि एक वॉर चली थी, फ्रांस और पर्शिया की वॉर थी, उसके बीच की कहानी है, एक फ्रांस का गांव है। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं, आगे बढ़ते हैं। The story is narrated by a young boy. ये स्टोरी जो नरेट की है वो किसने की है, एक लड़का है फ्रेंच, उसका नाम क्या है, फ्रेंच। तो इसको कैरेक्टर को नाम याद रखने में बड़ी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि फ्रांस फ्रेंच, फ्रेंच से बन गया फ्रेंच, देखो कितना आसान है। आ जाओ फ्रेंच, हु इज द लेजी स्टूडेंट। ये तो मेरे जैसा स्टूडेंट है भाई, बिल्कुल मेरे जैसा स्टूडेंट, लेजी सा, पढ़ा रहता है एक जगह, मस्ती मारना एकदम, बिल्कुल सोते रहना क्लास में, उस टाइप का स्टूडेंट है यार, बिल्कुल। होते हैं ना बहुत सारे बच्चे जो बिला वजह, कुछ तो होते शैतान, कुछ होते इंटेलिजेंट, कुछ होते लेजी, जो कुछ करते ही नहीं। ठीक है, सो भाई मेरे जैसा स्टूडेंट नहीं है फ्रेंड्स, हु इज अ लेजी स्टूडेंट एंड डिसलाइक्स हिज फ्रेंच लेसंस एंड टीचर मिस्टर हैमिल। मिस्टर हैमिल एंड फ्रेंड्स, दो कैरेक्टर हमारे सामने आए, ये याद रखने, मिस्टर हैमिल एक फ्रेंच टीचर, फ्रेंड्स उनका एक लेजी स्टूडेंट, एंड हु हेट्स फ्रेंड्स, या हु डिसलाइक, हेट्स वर्ड ज्यादा हो जाएगा, हु डिसलाइक्स, जो फ्रेंड्स क्या करता है, वो डिसलाइक करता है किसको, फ्रेंच लैंग्वेज को, फ्रेंच लेसंस को, और मिस्टर हैमिल को, अपने टीचर को। ठीक है, आप तो मुझे डिसलाइक नहीं करते, आप लाइक कर दो ना, है ना? तो लाइक करके बताओ, अगर लाइक करते हो तो अभी इस लाइव सेशन को लाइक करके बताओ कि लाइक करते हो कि नहीं। चलो लेट्स गो अहेड। फॉलोइंग जर्मनीज टेक ओवर ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, बर्लिन हैज मैंडेटेड दैट स्कूल्स टीच जर्मन इंस्टेड ऑफ फ्रेंच। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब जर्मनी ने टेक ओवर कर लिया इन गांव का, एल्सेस एंड लॉरेन का, उसके बाद बर्लिन कौन है, बर्लिन क्या है, जर्मनी की कैपिटल है, बर्लिन क्या है, बर्लिन है, बर्लिन मतलब यानी हिटलर, कुल मिला के वहां की सरकार जो थी, तो यहां हिटलर ही है, बर्लिन का मतलब यहां हिटलर आ रहा है या नाजीज आ रहा है। ठीक है, बर्लिन एक शहर का नाम है ना,
has mandated, उन्होंने mandatory कर दिया, क्या mandatory कर दिया, that schools teach German instead of French, कि जो schools हैं, वो German सिखाएं, French ना सिखाएं, हम जैसे बन जाएं, हर किसी का दबाव बनाने का, power हासिल करने का भाई यही तरीका होता है। आप पावर हासिल करने के लिए ना अपने रूल्स, अपना कल्चर थोपते हो उन लोगों पे जिनको आपको दबाना होता है, अपने जैसा बनाना होता है। तो जर्मन सीखेंगे, जर्मनी की भाषा बोलेंगे, हिटलर की जय जयकार करेंगे, ठीक है, और उनकी ताकत बढ़ जाएगी इस तरह। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं ना। उसके बाद क्या होता है, मिस्टर हैमिल एक्सप्रेसेस रिग्रेट फॉर नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स मोर इफेक्टिवली व्हाइल स्ट्रेसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। देखो देखो, अब आप लोग इस बात में झगड़ा मत करना, कुछ लोग कहेंगे हिंदी सबसे ज्यादा खूबसूरत लैंग्वेज है, कुछ कहेंगे उर्दू बहुत अच्छी, कुछ कहेंगे इंग्लिश बहुत अच्छी, कुछ कहेंगे पंजाबी लैंग्वेज बहुत अच्छी, कुछ कहेंगे बंगाली बहुत अच्छी है। सबके लिए अपनी लैंग्वेज सबसे खूबसूरत होती है, सबसे लॉजिकल होती है कि नहीं, ये पॉइंट तुम्हें यहीं से याद रखना है दोस्तों। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात, अगर पूछा जाए कि मिस्टर हैमिल क्या फील करते थे लैंग्वेज के बारे में, तो अपनी लैंग्वेज के बारे में सोच लेना, तुम अपनी लैंग्वेज के बारे में क्या फील करते हो, मोस्ट ब्यूटीफुल मोस्ट लॉजिकल, दो वर्ड है यहाँ इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया, चलो। तो वही बात कह रहा है वो कि मिस्टर हैमिल अपना रिग्रेट एक्सप्रेस करते हैं, रिग्रेट मतलब बहुत दुख जताते हैं कि यार मैं तुम्हें इफेक्टिवली सिखा नहीं सका और तुम इफेक्टिवली सीख नहीं सके, कहीं ना कहीं मेरी ही कमी रह गई होगी, जो मेरे बच्चे आज इस चीज को सीख नहीं पाए, उन्हें लेसन आज भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं ठीक से समझ आई, मेरी ही कमी रह गई होगी, वो इस तरीके से कहते हैं। और वो चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो सीखते फ्रेंच, जो फ्रेंच लोग थे वो फ्रेंच लैंग्वेज को सीखते, और ये भी कहते हैं जो फ्रेंच है वो मोस्ट क्या है, ब्यूटीफुल है और लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। तो बड़ा कॉमन सा इसमें ये पॉइंट था, कोई दिक्कत नहीं थी। एंड द की टू एस्केपिंग द प्रिजन ऑफ स्लेवरी एंड द जर्मन, और ये की है, एक चाबी है, किस चीज की चाबी है, स्लेवरी, जो गुलामी है, प्रिजन ऑफ स्लेवरी, जो स्लेवरी की, जो गुलामी का जो जेल है, जो गुलामी की कैद है, उससे बचने की और जर्मन से बचने की, ठीक है। आप गुलाम हुए हुए हो, आप गुलाम हुए हुए हो, ऐसे एकदम नतमस्तक हुए हो, बो डाउन हुए हो किसी के लिए, ठीक है, किसी के अंडर, अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, अगर आपके पास लैंग्वेज का हथियार है, आपके पीछे कॉमन बॉन्ड बना हुआ है, तो आप खड़े हो जाओगे और मिलकर उस पर हावी हो जाओगे और जो गुलामी की जंजीर उनको तोड़ दोगे। कैसे तोड़ पाओगे, अपनी लैंग्वेज के बल पर, ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो ये मिस्टर हैमिल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है मिस्टर हैमिल के ऊपर, ही क्वेश्चन आ सकता है, नीचे पूछा भी गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आज मैं आपको कराऊंगा, तो वो देखना उसमें, ठीक है। जो भी अभी साथी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं लाइव सेशन को, साथ के साथ शेयर करते चलना, ठीक है, ताकि बाकी लोगों को पता चले। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल के आखिरी दिन, आखिरी दिन है, सोचो ना अपने आपको महसूस करो, आखिरी दिन आपके स्कूल का, आपको आप वो लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जा रही जो आप पढ़ रहे थे, मान लो इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी, अब नहीं पढ़ पा रहे, बैन हो गया, इंग्लिश नहीं पढ़ पा, क्या हो रहा होगा। मिस्टर हैमिल इज पर्टिकुलरली सैड एंड फ्रेंड्स एंड हिज क्लासमेट्स आर सरप्राइज्ड। तो मिस्टर हैमिल तो सैड ही होंगे ना, मैं भी इंग्लिश टीचर है, मालूम है मुझे, बोल दिया कि इंग्लिश नहीं पढ़ा, तो मैं तो सैड ही होंगे, और आप लोग क्या होंगे, आपका मुंह खुला होगा, ये तो होगा बस, तो आप सरप्राइज होंगे। तो बच्चे क्या थे, सरप्राइज थे, मिस्टर हैमिल सैड थे। टू लर्न दैट इट इज हिज लास्ट डे ऑफ टीचिंग आफ्टर 40 इयर्स ऑफ सर्विस, 40 साल मिस्टर हैमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई, एंड इवेंचुअली उनसे कह दिया गया कि यू कैन नॉट टीच फ्रेंच लैंग्वेज एनीमोर। दिस इज द बिगेस्ट सरप्राइज, दिस इज द बिगेस्ट शॉक टू मिस्टर हैमिल। उन्होंने इस दुख को वो झेल नहीं पा रहे थे, वो बयान कर रहे थे अपने बच्चों के साथ, कहीं ना कहीं मेरी कमी रह गई, वरना तुम लोग ये लैंग्वेज सीख लेते और जब तुम पे अटैक ना करते, तुम पे, तुमसे जीतते ना, तुम बच जाते उनकी गुलामी से। चलो आगे क्या कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 40 साल मिस्टर हैमिल 40 साल से फ्रेंच पढ़ा रहे थे। मिस्टर हैमिल प्रोसीड्स विद हिज लेसन एंड स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फ्रेंच पीपल टू प्रिजर्व देयर कल्चरल हेरिटेज। तो मिस्टर हैमिल आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं, कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, ध्यान से देख लो भाई, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, ठीक है, या बोल सकते हो कंटिन्यूड, मैं जानबूझ के थोड़ा सा मुश्किल वर्ड डाल रखा है इसमें ताकि आपका आंसर इंप्रेसिव लगे। वो अपना लेसन आगे पढ़ाते हैं और कहते हैं स्ट्रेस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, स्ट्रेस मतलब जोर डालना, उस चीज पे जोर डालते हैं, किस चीज पे अपनी इस बात पे जोर डालते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फ्रेंच पीपल। और वो ये बताते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्रेंच पीपल की जिम्मेदारी है कि अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करें, इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रिजर्व, प्रिजर्व इंपॉर्टेंट वर्ड है, कि अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करें और अपनी कल्चरल हेरिटेज को, जो उनकी पुरानी सभ्यता है उसको बचाएं, ठीक है, आगे बढ़े। He explains that language is an essential part of a nation's identity and that losing it means losing one's freedom. वो कहते हैं कि जो जबान होती है, जो भाषा होती है, वो आपकी पहचान होती है, और इसको खो देने का मतलब अपनी पहचान खो देना होता है, ये उनका कहना होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गूज़बम्प्स आ रहे हैं, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल कैमरे में दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन बहुत प्यारी बात है यार, कि आप अपनी लैंग्वेज खो देते हो। सोचो ना, तुम हिंदी बोलते हो, आप सब हिंदी बोल पा रहे हो, मैं सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहे, एक दूसरे से हिंदी में बात हो रही है, हमसे कह रहे हैं हिंदी बोलो मत, बंद हिंदी बोलना बंद, आपकी मेरी पहचान खत्म हो जाएगी दोस्त, आपकी मेरी पहचान खत्म हो जाएगी। सो दैट्स व्हाट मिस्टर हैमिल वाज एक्सप्लेनिंग टू हिज स्टूडेंट्स, दैट ही एक्सप्लेन दैट लैंग्वेज इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द नेशन्स आइडेंटिटी, कि नेशन की आइडेंटिटी होती है, उसकी पहचान होती है, एंड दैट लूजिंग इट मींस लूजिंग वन्स फ्रीडम, और अपनी आजादी को खो देने जैसा है। आगे बढ़ते हैं। सरप्राइजिंगली, और बहुत सरप्राइज के साथ, फ्रेंड्स सडनली बिकम्स इंटरेस्टेड इन द लैंग्वेज, और एकदम से फ्रेंच को ना, जो फ्रेंच बच्चा था, जो लेजी स्टूडेंट था, वो एकदम से हैरान हो जाते हैं, और वो हैरानी की बात नहीं, वो एकदम से इंटरेस्टेड हो जाते हैं फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने में,
एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट इज बीइंग टॉट, और उसको सब कुछ समझ आने लगता है जो भी उसको फ्रेंच लैंग्वेज रिलेटेड सिखाया जा रहा होता है, क्योंकि वो चीज खो रही है, वो जा रही है तुमसे दूर जा रही है। जब कोई चीज तुमसे दूर जाती है, उसको हासिल करने की तड़प उससे ज्यादा बढ़ जाती है, उतनी ही बढ़ जाती है अब उसको हासिल करने की तड़प। ये तो लॉजिकल चीज है, बहुत लॉजिकल रीजन है। आप अपनी पूरी लाइफ में चीज ऑब्जर्व करोगे कि जब भी कोई चीज तुमसे दूर जाएगी ना, तभी तुम उसको हासिल करने के लिए उसके पास चले जाओगे, तभी तुम्हें उसे हासिल करने के लिए तड़प होगी। वही हो रहा था मिस्टर फ्रेंड्स के साथ। मिस्टर फ्रेंड्स कौन? एक स्टूडेंट, एक लेजी स्टूडेंट था, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, पढ़ा रहता था कोने में, लेकिन जब पता चला उससे पढ़ाई नहीं होगी, अब दिल होने लगा पढ़ने का। ऐसा होता है ना, जब आप उपवास रखते हो, फास्ट करते हो, तो आपसे कह दिया जाता है कि भाई रोटी नहीं खानी, उसी दिन रोटी का दिल होता है। पानी नहीं पीना, उसी दिन पानी पीने का दिल होता है। अपनी मम्मियों से पूछा करवा चौथ में, उनको पानी का कितना मन होता है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स रिग्रेट्स नॉट पेइंग। ठीक है, अब ठीक था। फ्रेंड्स रिग्रेट्स नॉट पेइंग अटेंशन इन प्रीवियस लेसंस एंड नॉट हैविंग लर्न्ड मोर ऑफ द लैंग्वेज। फ्रेंड्स को रिग्रेट होता है कि उसने अटेंशन नहीं दिया, मतलब उसने ध्यान नहीं दिया था अपने लेसन पे, अपनी पढ़ाई पे। अब जो प्रीवियस लेसन उसको सिखाए गए थे, पहले पिछले जो लेसन थे, उसमें उसने ध्यान नहीं दिया था उन पे, और उसने पढ़ा नहीं था फ्रेंच लैंग्वेज को ज्यादा जितना उसको पढ़ना चाहिए था। तो उसको इस बात का अफसोस होता है। दो तरह के रिग्रेट थे। एक रिग्रेट मिस्टर हैमिल का था, उनका रिग्रेट क्या था कि वो इफेक्टिवली पढ़ा नहीं पाए बच्चों को। मिस्टर फ्रेंड्स का जो उसका स्टूडेंट है, उसका रिग्रेट क्या था कि वो पढ़ नहीं पाया। दोनों ही रिग्रेट कर रहे थे। असली रिग्रेट तो उनको ये हो रहा था कि अब फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जा सकती, पढ़ी नहीं जा सकती। आगे बढ़े। Friends realizes the importance of learning his mother tongue and how illiteracy contributed to their defeat by the Germans. Friends को realize होता है, उसे एहसास होता है कि क्या importance है language की, और कैसे language को ना पढ़ने की वजह से उनकी हार हुई जर्मन से। लैंग्वेज पढ़ लेते, कनेक्ट होते, कनेक्टिविटी होती है। और लैंग्वेज पढ़ने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप अपनी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, उससे ना आप कल्चरली भी एक दूसरे से जुड़ते हो, और आपकी सारा जो ताना बाना पूरा फेब्रिकेशन होता है ना आपका एज अ स्टेट, एज अ कंट्री, वो भी स्ट्रेंथन होता है, मजबूत होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He believes that one's language is inherent and cannot be taken away like the coup of pigeons or French to Frenchmen. और फ्रेंड्स को लगता है, उस स्टूडेंट को लगता है कि जो लैंग्वेज होती है ना, वो अंदर ही अंदर होती है, वो आपके भीतर होती है, वो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता, वो आपसे कभी दूर नहीं जा सकती। वो बिल्कुल ऐसे होते जैसे कबूतर होता है ना, कबूतर की कुकू कोई नहीं उसे छीन सकता, वैसे लैंग्वेज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द लेसन मिस्टर हैमिल डिसमिसेस द स्टूडेंट्स। आखिर वो लेसन खत्म हो जाता है, मिस्टर हैमिल कहते हैं सबसे कहीं जाओ। And they all leave the classroom in silence. और जब सब ना एकदम मुंह लटका के, जैसे आपकी फेयरवेल में हुआ होगा, आपके स्कूल के लास्ट डे में हुआ होगा, कि सब लोग अच्छा क्या, नहीं 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 ना, तुम मुझे पता है तुम शैतान हो, तुम बता रहे होंगे, मुझे याद आ गई ना वो शर्ट, कौन सी शर्ट जो लास्ट डे पे व्हाइट कलर की स्कूल शर्ट पे आप लोग सबके ऑटोग्राफ लिखते हो, सबसे एक दूसरे को लिखते हो ना ऑटोग्राफ, और अपना लास्ट डे पे कुछ भी कोट लिखते हो उसके बारे में, और पूरी शर्ट ऐसे होते हैं। आप लोग ने ऐसा नहीं किया होगा, मैं समझ गया, आप लोग इससे पहले कुछ बोलते, मैं पहले समझ गया। ठीक है, तो लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था उस क्लास में, लास्ट लेसन में सब लोग क्या थे, चुपचाप बच्चे मुंह लटका के ऐसे चले गए थे। आपकी तरह नहीं, आप तो फेयरवेल में भी नाच रहे थे, लास्ट डे पे भी नाच रहे थे, कुछ लोग रो भी रहे होंगे, हमारी क्लास में काफी लोग रोए थे, बहुत रोना धोना मचा था यार, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन मैं फ्रेंड्स था, मैं चुपचाप बैठा रहा, मैं कह रहा क्यों रो रहे हो यार, क्यों रो रहे हो, अच्छा हुआ सुबह आने की टेंशन खत्म हुई, मतलब सॉरी टू से मैं कन्फेस कर रहा हूँ भाई, मुझे तो बहुत खुशी हुई थी जब स्कूल खत्म हुआ था, मैं बिल्कुल सच में, मुझे आज भी रिग्रेट नहीं होता स्कूल नहीं है। ठीक है यार, बड़ा बुरा लगता था यार सुबह उठ के जाना। ठीक है, होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं बड़े एक्टिव से होते हैं, स्कूल में जाके भी शैतानी मस्ती करते हैं। अब अपने को शौक नहीं था यार मस्ती वस्ती का, अपना साइड में पढ़े रहना चुपचाप सुन लो, मैं कहता था यार ऑनलाइन क्लास हो जाए वो अच्छा है, हमारे टाइम पर नहीं होता था ना ऑनलाइन। एनीवे ठीक है, मैं कहाँ आ गए हम, यूँ ही बात करते करते आगे बढ़ते ना। फिर क्या होता है, सब शांति से मुंह लटका के चले जाते हैं। ऐसे फ्रेंड्स लुक्स बैक एट द क्लासरूम एंड रियलाइजेस दैट ही विल नेवर अगेन हैव द चांस टू लर्न फ्रेंच अगेन। कितनी इमोशनल बात है, ऐसे फ्रेंड्स जा रहा होता है, वो क्लास से निकल रहा होता है, और अचानक से वो पीछे मुड़ के देखता है अपनी क्लास की तरफ, और उसे एहसास होता है कि अब वो कभी उस क्लास में जा नहीं पाएगा, अब कभी वो फ्रेंच लैंग्वेज को सीख नहीं पाएगा, उसको एहसास होता है। एक होता ना कि यार वाकई क्या सच में, एम आई ड्रीमिंग, क्या झूठ है, लेकिन ये सच है भाई, अब नहीं देख पाओगे। अब आप सभी ना क्लासमेट वाले सुनो, अभी एग्जाम की टेंशन है, एग्जाम खत्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, निकल जाएंगे, जैसे होगा अच्छे होंगे सारे एग्जाम, उसके बाद आपको एहसास होगा स्कूल खत्म, यू कैन नेवर गो टू स्कूल बैक, नहीं जा पाओगे। ये एहसास, ये रियलिटी, ये ट्रुथ, ये बड़ा कड़वा होता है, नहीं मिल पाओगे एक साथ कभी। एंड वही एहसास होता है फ्रेंड्स को। द स्टोरी एंड्स विद फ्रेंड्स रिफ्लेक्टिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल हेरिटेज एंड द रोल इट प्लेज इन शेपिंग वन्स आइडेंटिटी। फ्रेंड्स को ये भी एहसास होता है, ये स्टोरी खत्म होती है जब फ्रेंड्स देखता है, इंपॉर्टेंस देखता है कि लैंग्वेज की कितनी इंपॉर्टेंस है, और ये हमारी सभ्यता होती है और क्या रोल प्ले करती है ये हमारी आइडेंटिटी में, पहचान में, किसी भी देश की पहचान में, किसी भी लोगों की पहचान में, एज अ ग्रुप लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कुल मिला के हुई। ओवरऑल द लास्ट लेसन इज अ टचिंग स्टोरी, अ हार्ट टचिंग स्टोरी दैट हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज एज अ कल्चरल आइडेंटिटी एंड सिंबल ऑफ फ्रीडम। इट अर्ज रीडर्स टू अप्रिशिएट एंड प्रिजर्व देयर कल्चरल हेरिटेज इंक्लूडिंग देयर लैंग्वेज बिफोर इट्स टू लेट।
ये कहानी बताती है कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लैंग्वेज की, हमारे कल्चर के लिए, हमारे लिए और हमारी आइडेंटिटी के लिए। और ये हम सबको एक नसीहत भी देती है कि हमें हमारी जो भी लैंग्वेज है, हमारी जो मदर टंग है, नेटिव लैंग्वेज है, उसको प्रिजर्व करना चाहिए। प्रिजर्व वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रिजर्व वर्ड इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लो, प्रिजर्व वर्ड इंपॉर्टेंट है। उसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए अपनी लैंग्वेज को आगे बढ़ने के लिए, ताकि हमारी पहचान बनी रहे, बची रहे। बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं थी जो दोस्तों खत्म हो गई जब लैंग्वेज खत्म हो गई। वो लैंग्वेज खत्म हुई, जहां की लैंग्वेज खत्म हुई वहां की कल्चर खत्म हो जाता, वहां का कल्चर ही बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखने वाली चीज है। ठीक है, तो ये कहानी खत्म हुई। हमने पहला चैप्टर, हमारा फर्स्ट लेसन है, उसकी समरी, उसकी पूरी कहानी ऑलमोस्ट मोटा मोटा पूरा यही था, मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में जरूर आया होगा। कोई डाउट आ रहा है कमेंट करके अभी बताओ। उम्मीद करता हूं चैप्टर आपको क्लियर हुआ, उसके बाद इसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, बड़ी मजेदार स्टोरी थी, गूज़बम्स आते गए मुझे तो बार बार। ठीक है, क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर का एक सेपरेटली लाइव सेशन मैं कंडक्ट करूंगा, आपके सामने लाइव ये बात बोल रहा हूं, एक या दो तीन कर दूंगा, परेशान मत हो। क्लास 12th की आज बारी है, क्लास 11th, क्लास 10th, आप ही लोगों के लिए खड़ा हूं। आपसे ज्यादा मुझे फिक्र है आपके एग्जाम से पहले आपकी प्रिपरेशन होगी। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मार्क माई वर्ड्स, क्लास 10th, 11th, 12th आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट मैं यहां खड़े होकर कराऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट। 2 मिनट का बस ब्रेक ले रहा हूं, कहानी समझ आई कि नहीं मुझे बताओ, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। कोई डाउट अभी भी आ रहा है जल्दी से कमेंट करो। हां जी, तो फिर इसके नोट्स कहां मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसकी जो PDF है ना, उसका लिंक ना इसी के लाइव सेशन के कमेंट में पिन कर दूंगा मैं। अदरवाइज हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल डियर सर के नाम से, ना ऑफिशियल डियर सर के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। वहां पे आपको जितनी भी PDFs हैं, 10th, 11th, 12th, ग्रामर, स्पोकन, जिसकी भी, मैथमेटिक्स, जो भी है, वो सारी वहां पे हमारे हम अवेलेबल कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाके उस ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अब क्या हुआ है, हु इज मिस्टर हैमल? मिस्टर हैमल किसको ब्लेम कर रहे थे जब फ्रेंड ने आंसर नहीं दिया था? किसको ब्लेम कर रहे थे? वो खुद को रिग्रेट कर रहे थे, खुद को ब्लेम कर रहे थे कि उन्होंने ही इफेक्टिवली नहीं सिखा पाए लोगों में, इस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं जगा पाए लैंग्वेज के बारे में, तो खुद को ही ब्लेम कर रहे थे। आंसर इंपॉर्टेंट इजिली लिख पाओगे कि नहीं? समरी है आपके पास, 2-3 बार रिवाइज करना, 2-3 बार आपको के सामने से निकाल लोगे ना, ये सारे सेंटेंसेस आपको याद हो जाएंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, सर इनके कीवर्ड्स मुझे एक अलग से आप दे दो, कीवर्ड के लिए सेपरेट लाइव सेशन या फिर रिकॉर्डेड वीडियो मैं दूंगा, दोबारा से सुनो। आई रिपीट, आई विल गिव यू अ सेपरेट वीडियो ऑन कीवर्ड्स। सिर्फ कीवर्ड्स होंगे हर चैप्टर के जो आपको एग्जाम में लिखने हैं, एक अलग से वीडियो दूंगा। इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन आइकन पे जो होता है वो घंटा, उसको एकदम प्रेस करके रखना, ताकि पता चल जाए कि वीडियो आ रही है कि नहीं, और वीडियो जरूर देखना। अब जितनी भी वीडियो आएंगी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, जितने लाइव सेशन कंडक्ट होंगे, एवरी लाइव सेशन इज गोल्ड फॉर यू गाइस। ठीक है, सो अलग से दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर इन द क्लास ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। आखिरी दिन कैसा माहौल था, हमने देखा था कैसा माहौल था कि भाई मिस्टर हैमल क्या थे, सैड थे, बच्चे क्या थे, सरप्राइज थे। साथ में पता एक और बात है, मैं आपको बताता हूँ, गांव के लोग भी वहां पे, लोकल्स जो थे, उन्होंने भी वो भी लास्ट लेसन को ज्वाइन करने बैठे हुए थे, वो भी वो क्लास ले रहे थे। ठीक है, तो ये इसके अंदर माहौल बता देना कि बहुत कैसा माहौल होगा, लास्ट डे। अगर आपको इसका आंसर नहीं भी याद रहा तो भी लिखो ना अपनी तरफ से बना के, देखो कैसा माहौल होगा, बहुत ज्यादा सैड माहौल होगा ना। सब लोग सरप्राइज होंगे, और क्या मिस्टर हैमल सरप्राइज थे, सैड थे, 40 इयर्स ऑफ टीचिंग, आफ्टर टीचिंग 40 इयर्स उनको क्या करना पड़ रहा था, ही विल हैव टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच। सो दैट वॉज अ बिग सरप्राइज, दैट वॉज बिग ट्रेजिक इंसिडेंट फॉर हिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ आर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, डिस्क्राइब हाउ रिग्रेटफुल मिस्टर हैमल एंड द विलेज एल्डर्स आर फॉर हैविंग नेग्लेक्टेड देयर नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच। अब कह रहे हैं वही सेम क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। आपको एक और बात बता देता हूं, एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए अलग से लाइव सेशन होगा, अभी बता के चल रहा हूं, तो याद रखना, मिस मत करना। अभी तो मैं चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं आपको, चैप्टर्स की नॉलेज दे रहा हूं, फिर एग्जाम की प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करते हुए होगी, अभी स्टोरी पे फोकस करते हुए कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। ओके, आवर लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, के भाई वो कहते हैं हमारी लैंग्वेज का हमारा पार्ट, वही वाली सारी बात हो जाएगी, वो कह देंगे कि भाई जो लैंग्वेज होती है वो कंट्रीज की क्या होती है, वो वन एक आपकी आइडेंटिटी होती है, आपकी कल्चर को, आपकी जो हेरिटेज उसको प्रिजर्व करने में हेल्प करती है, वही वाला जो समरी में हमने लिखा है, ऑलरेडी कवर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिस्टर हैमल्स रिग्रेट ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, फिर वही वाली बात हो गई, उनको क्या रिग्रेट था, ये मैंने नहीं बार बार रिपीट किया क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो मिस्टर हैमल को क्या रिग्रेट था, आप मुझे बताओ ना क्या रिग्रेट था, मैं नहीं बता रहा, आप सब कमेंट करो, जो मेरा बच्चा इंग्लिश से डर रहा है, जिसको बिल्कुल नहीं आती, वो भी कमेंट करें, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, सबको साथ लेके चलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो जो भी ज्वाइन कर रहा है, जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, अपना प्यार दिखाओ, लाइक करके प्यार भी दिखाओ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप इंजॉय कर रहे हो कि नहीं। आर यू एंजॉयिंग दिस लाइव सेशन, मजा आ रहा है,
नहीं।